नमस्कार आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पारिभाषिक शब्दावली एक परिचय पर अर्थात पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है इसका निर्माण कैसे किया जाता है इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए पारिभाषिक शब्दावली कितने प्रकार के होते हैं तथा अन्य बिंदुओं पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और पारिभाषिक शब्दावली से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है देखिए ऐसे शब्द जिनका अर्थ जानने के लिए परिभाषा या व्याख्या की आवश्यकता होती है परिभाषा अर्थात डिफिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी या एलाबोरेशन की आवश्यकता पड़ेगी उसे हम लोग कहते हैं पारिभाषिक शब्द जैसे हम लोग यहाँ दो शब्द लेते हैं पहला शब्द है टेलीविज़न और दूसरा शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण तो टेलीविज़न शब्द को अगर हम लोग परिभाषित करते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा कि अंग्रेजी में टेली जो टी ई एल ई लिखते हैं टेली का अर्थ होता है दूर और विजन अर्थात दिखाई देना तो इस प्रकार हम लोगों को पता चलता है दूर की चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टेलीविज़न और इसी से हिंदी का पारिभाषिक शब्द दूरदर्शन बना है ठीक उसी प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण अदालत में बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना ही अदालत अर्थात कोर्ट या कचहरी में जब बंदी अर्थात जो कैदी है या जो अपराधी है या जो अंडर ट्रायल है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है तो पारिभाषिक शब्दावली में हम लोगों को परिभाषा या उसकी व्याख्या करनी पड़ती है पारिभाषिक शब्दावली का विकास डेवलपमेंट ऑफ पारिभाषिक शब्दावली कैसे हुआ देखिए किसी विषय के विकास तथा उसकी अभिव्यक्ति के लिए उस विषय के अनुकूल शब्दों की आवश्यकता होती है ये हम लोगों को पता है कि एजुकेशन के जो ब्रांचेस है या विषय बहुत सारे और सभी विषयों के निश्चित कुछ ना कुछ शब्द होते हैं नए आविष्कार नए विचार नए सिद्धांत नई अभिव्यंजनाएँ नए नए शब्दों को जन्म देती है नए विचारों की अभिव्यक्ति के लिए गढ़े गए शब्दों से पारिभाषिक शब्दों का विकास होता है अर्थात जब हम लोग नए नए विषयों में कुछ नई खोज करते हैं या एक्सप्रेशन के लिए कुछ नए शब्द को गढ़ते हैं इसी रूप से पारिभाषिक शब्दावली का विकास होता जाता है पारिभाषिक शब्दावली का अन्य नाम देखिए पारिभाषिक शब्दावली को मुख्य रूप से पारिभाषिक शब्दावली के नाम से ही जाना जाता है लेकिन कहीं कहीं इसे तकनीकी शब्दावली भी कहते हैं क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग तकनीक तथा वैज्ञानिक विषयों आदि में अधिक होता है और अगर हम लोग पारिभाषिक शब्द के गठन पर विचार करें तो देखिए ये होता है परिभाषा प्लस एक इसी से बन जाता है पारिभाषिक अब आप बोल सकते हैं कि तो प है यहाँ और यहाँ एक है तो पारिभाषिक होना चाहिए तो पारिभाषिक क्यों तो एक प्रत्यय की एक खासियत होती है कि वो अ वाले को आ में कन्वर्ट कर देता है अर्थात मूल शब्द के पहले वर्ण में नाइन्टी फाइव परसेंट टाइम वो चेंजेस लाता है इसीलिए ये हो जाता है पारिभाषिक उसी प्रकार आप देख लीजिए परिवार से पारिवारिक धर्म से धार्मिक वर्ष से वार्षिक ठीक है अब आपके दिमाग में आता होगा सर नाइन्टी फाइव परसेंट तो फाइव परसेंट ऐसे कौन से शब्द है मैं आपको एक दो बता देता हूँ जैसे आप देख लीजिए श्रम है तो श्रम में जब आप एक जोड़िएगा तो ये श्रमिक ही होगा श्रामिक नहीं होगा ये श्रमिक ही होगा ठीक है ओके पारिभाषिक शब्दावली के प्रकार देखिए पारिभाषिक शब्दावली सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं पहला सामान्य पारिभाषिक शब्द ये सामान्य है अर्ध पारिभाषिक शब्द और अंतिम होता है पारिभाषिक शब्द ये संपूर्ण पारिभाषिक होता है मूल रूप से हम लोग इसी पर ज़्यादा डिस्कशन करते हैं लेकिन आपके ज्ञान के लिए आप इनके तीनों प्रकार को याद रखेंगे देखिए सामान्य पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जो साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जैसे खाना जाना सोना गर्म ठंडा यही है सामान्य पारिभाषिक शब्द पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो सामान्य और कुछ विशेष संदर्भों दोनों में प्रयुक्त होते हैं जैसे ऊर्जा ऊर्जा का मतलब ताकत और ऊर्जा का मतलब एनर्जी विज्ञान के क्षेत्र में ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं प्रगति प्रगति किसी का नाम भी हो सकता है किसी लड़के का और डेवलपमेंट के सेंस में भी हम लोग प्रगति कहते हैं मंजूर हम लोग ऐसे बोलते तुम्हें मंजूर है और मंजूर जब हम लोग कोर्ट कचहरी के, के काम में कुछ लिखा पढ़ी करते हैं या ड्राफ्टिंग करते तो वहाँ मंजूर लिखते हैं तो इस तरीके से जो शब्द सामान्य में भी प्रयोग होते हैं और विशेष संदर्भ में भी प्रयोग होते हैं उसे ही हम लोग अर्धपारिभाषिक शब्द कहते हैं अब आ जाते हैं पूर्ण पारिभाषिक शब्द या पारिभाषिक शब्द पर देखिए जिन शब्दों के अर्थ के साथ कोई विचार या संकल्पना संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट जुड़ी होती है अर्थात किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पारिभाषिक शब्द कहते हैं जैसे विकिरण रसायन परमाणु प्रतिनियुक्ति आदि पारिभाषिक शब्दावली की अनिवार्यता देखिए हम लोगों को पारिभाषिक शब्दावलियों का ज्ञान होना ही चाहिए अगर आप सोचेंगे कि मैं इन शब्दों का ज्ञान रख कर क्या करूँगा ये मेरे लिए किसी काम की नहीं तो आप गलत हैं हम लोग हर दिन हर मोमेंट एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ नए नए आविष्कार हो रहे हैं नई नई तकनीकें आ रही हैं जिससे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बदल रही है हमारा जीवन और भी सरल आसान सहज हो रहा है तो ऐसे में बहुत सारे शब्द होंगे जिनसे हम लोगों को रूबरू होना पड़ेगा और वही शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं तो विज्ञान के नए नए आविष्कार ज्ञान विज्ञान के विकसित क्षेत्रों उद्योगों के विस्तार तथा बढ़ते हुए चिंतन से समुचित परिचय कराने पारस्परिक संवाद पारस्परिक म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन तथा विशिष्ट संप्रेषण के लिए विशिष्ट संप्रेषण अर्थात तो जब किसी पर्टिकुलर विषय के दो लोग बातें करते हैं अर्थात जब दो वकील बातें करेंगे या दो डॉक्टर्स बातें करेंगे या दो साइंटिस्ट बातें करेंगे तो वो लोग विशिष्ट संप्रेषण करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे में आप लोगों को पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना अनिवार्य है इसीलिए पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग आज के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ भी गया है पारिभाषिक शब्दावली के गुण जी हाँ पारिभाषिक शब्दावली के कुछ कुछ गुण भी हैं जैसे पारिभाषिक शब्द सरल सुस्पष्ट और सुबोध होने चाहिए इनमें उपसर्ग जिसे आप लोग प्रिफिक्स कहते हैं और प्रत्यय जिसे आप लोग सफिक्स कहते हैं आदि लगाकर नए शब्दों के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए जैसे मानव शब्द है तो इसमें देखिए मानविकी मानवता मानवीय हम लोगों ने प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए हैं पारिभाषिक शब्द संक्षिप्त होने चाहिए और संभव हो तो बड़े पारिभाषिक शब्द का संक्षिप्त रूप भी बनाया जाए जैसे ट्यूबर क्यूलोसिस ट्यूबर क्यूलोसिस अर्थात एक प्रकार की बीमारी होती है उसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं जैसे एकवायर इमिन्यू डिफिशियंसी सिंड्रोम इसके लिए एड्स उसका संक्षिप्त रूप बना दिया गया है तो पारिभाषिक शब्दावलियों का संक्षिप्त रूप भी बनाया जा सकना चाहिए अगर वो बहुत बड़े हैं तो पारिभाषिक शब्दावली के गुण पारिभाषिक शब्दों में अनुकूलता होनी चाहिए अर्थात अन्य भाषा के शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुकूल ढालने की क्षमता जैसे अंग्रेजी का एक शब्द लीजिए एकेडमी लेकिन हम लोग हिंदी में एकेडमी नहीं लिखते बल्कि हम लोग हिंदी में अकादमी लिखते हैं उसी प्रकार बाईसाइकिल का हम लोग साइकिल टेक्निक का हम लोग तकनीक रूप स्वीकार कर चुके हैं तो पारिभाषिक शब्दों में अनुकूलता भी होनी अनिवार्य है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत देखिए आप इन पांच सिद्धांतों के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं जिसमें पहला कहलाता है ग्रहण अंग्रेजी में इसके लिए एडॉप्शन अनुकूलन जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग अपने भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार एडेप्ट कर लेंगे संचयन अर्थात कंपाइलेशन होना चाहिए निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन कैसे अभी देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग आते हैं ग्रहण सिद्धांत पर देखिए यूरोपीय भाषा या अन्य भाषाओं के प्रचलित पारिभाषिक शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना एज इट इज जैसा वो दूसरी भाषाओं में है हम लोग उसी रूप में जब हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसे ग्रहण सिद्धांत कहते हैं और ये पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की पहली पद्धति या पहला सिद्धांत है जैसे अंग्रेजी का पेट्रोल ले लीजिए सेंटीमीटर किलोग्राम थर्मामीटर फ्रिज कार मोबाइल कैलेंडर डायरी टिकट फायर इंटरनेट फ्लॉपी रिकॉर्ड तहसील की मत फ्लॉपी मैं बता देता हूँ ये कंप्यूटर से जुड़ा एक स्टोरेज डिवाइस हुआ करता था ये मतलब पुराने ज़माने में चलता था इस तरीके का कुछ होता था स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ही कम होती थी वन पॉइंट सेवन एम बी के आसपास अब ये नहीं चलता फ्लॉपी अब आते हैं अनुकूलन सिद्धांत पर देखिए कुछ भाषाओं के शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वीकार तो करना चाहते हैं लेकिन उनके उच्चारण में हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है तो हम लोग उसको अपनी भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार अनुकूल कर लेते हैं या एडेप्ट कर लेते हैं जैसे विदेशी शब्दों को अपनी भाषा की ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक विशेषताओं के अनुकूल परिवर्तित करना ध्वन्यात्मक अर्थात फोनेटिक्स के रूप में या साउंड्स के रूप में हम लोग उसको अपनी भाषा के अनुसार जब उसको कन्वर्ट करते हैं जैसे इंजन तो उसके लिए हम लोगों ने इंजन शब्द ले लिया होटल के लिए हम लोगों ने होटल कर लिया ऑफिसर के लिए हम लोगों ने अफसर ले लिया एकेडमी के लिए हम लोगों ने अकादमी ले लिया बिस्किट के लिए हम लोगों ने बिस्कुट कर लिया ठीक है इसके बाद देखिए मैकेनिक तो हम लोगों ने मैकेनिक को मैकेनिक इस रूप में लिया केटल को हम लोगों ने केटली बना लिया हॉस्पिटल को हम लोगों ने अस्पताल कर लिया इंजीनियर को हम लोगों ने इंजीनियर कर लिया टूर को टूर ही और इंटरिम को इंटरिम तो अंतरिम तो हम लोग दूसरी भाषाओं के शब्दों को ध्वनियात्मक और व्याकरणिक इकाइयों के आधार पर जब अपनी भाषा के अनुरूप बना लेते हैं तो उसे ही हम लोग अनुकूलन सिद्धांत या एडेप्शन डॉक्ट्रिन कहते हैं अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे सिद्धांत पर जो है संचयन सिद्धांत संचयन अर्थात संचय करके रखना ये हम लोगों ने अभी तक विदेशी भाषाओं के बारे में बात किया अब हम लोग आ जाते हैं भारतीय भाषाओं और उपभाषाओं तथा बोलियों के उपयुक्त शब्दों का पारिभाषिक रूप में संचयन व प्रयोग किया जाना अपेक्षित होता है अर्थात जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं या उपभाषाएं या बोलियों के कुछ ऐसे शब्द जो बहुत फेमस हो जाते हैं उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत जैसे बंगला बंगला से हम लोगों ने क्या क्या लिया है उपन्यास लिया है गल्प गल्प का मतलब कहानी उपन्यास का मतलब नॉवल संदेश कविराज ये बंगाली से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है ठीक है उसी प्रकार मराठी से देखिए टिकाऊ लागू मंगलसूत्र श्रीखंड उसी प्रकार आप देखिए गुजराती से ढोकला फावड़ा गरबा हड़ताल आपने हड़ताल सब तो सुना ही होगा खाने की चीज़ें हैं ढोकला फावड़ा और गरबा तो एक पूजा टाइप का होता ही है पंजाबी भाषा से हम लोगों ने गुरुद्वारा संगत लंगर लस्सी भांगड़ा कड़ा वो कड़ा पहनते हैं अपने हाथों में और द्रविड़ भाषाओं से देखिए द्रविड़ भाषाओं से हम लोगों ने क्या किया लिया चिल्लर पंडाल कंड डोसा इडली निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत ज्ञान विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों का निर्माण धातु शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर दो धातुओं को मिलाकर सामासिक शब्द बनाकर किया जाता है जैसे देखिए पद और अधिकारी तो ये क्या हो गया पदाधिकारी उसी प्रकार वरिष्ठतम प्रप्लस शिक्षण प्रशिक्षण भौतिक प्लसी, भौतिकी, अनु प्लस भौतिकी दान अनुदान जिसे ग्रांट कहते हैं अवैतनिक बिना सैलरी के विकासशील डेवलपिंग निदेश आलय निदेशालय तो इस तरीके से हम लोग निर्माण सिद्धांत के बारे में भी जान गए अब हम लोग आते हैं अंतिम सिद्धांत पर वो कहलाता है अनुवाद सिद्धांत अनुवाद सिद्धांत परिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए एक उपयोगी सिद्धांत है जैसे अनुवाद कहने का मतलब हो गया ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं अंग्रेजी के कुछ फेमस शब्द या फ्रेज उसको हम लोग एज इट इज़ ट्रांसलेशन कर लेते हैं जैसे कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर कहने का मतलब हो गया युद्ध ठीक है उसी प्रकार स्टॉक होल्डर स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक होल्डर तो हम लोग उसको हिंदी में कर लिए स्टॉक धारक वर्कशॉप वर्कशॉप को हम लोगों ने कर लिया कार्यशाला सेंसर ऑफिसर इसे इसे हम लोगों ने कर लिया सेंसर अफसर शेयर मार्केट को हम लोगों ने कर लिया शेयर मार्केट या बाजार तो इस तरीके से हम लोग अनुवाद सिद्धांत के बारे में भी जान पाते हैं तो हम लोगों ने इस वीडियो में बड़े ही सूक्ष्मता से पारिभाषिक शब्दावली के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा धन्यवाद